नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों, ड्रीम इलेवन IPL का छठा मुकाबला खेला गया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच में। और दोस्तों, काफी वन साइडेड ये मैच रहा, जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग्स इलेवन पंजाब ने KL राहुल के 69 गेंदों में 132 रनों की बदौलत 207 रनों का विशाल काय टारगेट सेट किया। और दोस्तों, RCB की टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थी KL राहुल ने। और दोस्तों, RCB की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 109 रनों पर ऑल आउट हो गई। और दोस्तों, RCB के भारी भरकम बैटिंग ऑर्डर का कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया, यानी कि RCB की पूरी बल्लेबाजी नेस्तो नाबूद हो गई। वहीं पर दोस्तों, मैच के दौरान जब KL राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे और विराट कोहली ने 83 रन और 89 रन पर KL राहुल के दो कैच ड्रॉप किए, और उसके बाद दोस्तों KL राहुल ने 132 रन बना डाले थे। और दोस्तों, इसके ऊपर सुनील गावस्कर ने बहुत ही बड़ा कमेंट किया था, जो कि दोस्तों सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है, जहां पर दोस्तों विराट जब एक के बाद एक दो कैच ड्रॉप कर चुके थे, तब उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने लॉकडाउन में सिर्फ अनुष्का शर्मा की ही गेंदबाजी का सामना किया था। इसके बाद गावस्कर की काफ़ी आलोचना भी हुई और वो काफ़ी जमकर ट्रॉल किए जाने लगे। इसके बाद दोस्तों, अनुष्का शर्मा ने भी इसके ऊपर गावस्कर को लताड़ लगाई और दोस्तों कहा कि मिस्टर सुनील गावस्कर, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपका बयान काफ़ी अप्रिय है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप इस तरह के बयान क्यों देते हैं? साथ ही एक क्रिकेटर के खेल के लिए उनकी वाइफ को जिम्मेदार क्यों ठहराते हैं? आपने पिछले कुछ वर्षों में हर क्रिकेटर की निजी जिंदगी को इज्जत दी है, और क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए? वहीं पर दोस्तों, अब सुनील गावस्कर भी इस बार खुलकर सामने आई हैं, जहां पर उन्होंने अपनी सफाई पेश की है। जी हां, उन्होंने कहा कि मैंने अनुष्का शर्मा को कहां पर दोषी ठहराया है? मैंने कब भद्दे कमेंट किए? मैं तो बस उस वीडियो के बारे में बात कर रहा था जो किसी ने सोशल मीडिया पर डाला था। उसमें विराट अपनी पत्नी के साथ क्रिकेट खेल रहे थे और उनकी गेंदबाजी का सामना कर रहे थे। मैंने तो यही बात की थी कि मेरी वीडियो को अगर मेरी इस बात को बेवजह बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। गावस्कर ने कहा कि विराट की असफलता या खराब बल्लेबाजी के लिए मैं अनुष्का को कहां जिम्मेदार ठहरा रहा हूं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस वीडियो में वो विराट को गेंदबाजी कर रही थी पंजाब के खिलाफ, जब विराट एक रन बनाकर खेल रहे थे और 3 गेंद का सामना कर चुके थे। तब गावस्कर ने कहा कि विराट ने लॉकडाउन के दौरान अनुष्का शर्मा की ही गेंदबाजी का सामना किया था, और ये वीडियो हमने सोशल मीडिया पर देखी है। मेरी इस बात का सोशल मीडिया पर गलत तरीके से बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, गलती किसकी है, सुनील गावस्कर की या फिर अनुष्का शर्मा की? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्रिकेट और IPL की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं।